नमस्कार और सलाम. ये सबरंग और न्यूज़क्लिक के ये आज ख़ास मुलाकात में हमारे साथ हैं राहुल जी सोनपिंपले, एक नए उभरते हुए दलित लीडर जो बिरसा अंबेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन के हिस्सेदार हैं. दो साल से बापसा ने जेएनयू में काफ़ी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अपना असर दिखाया है, और लास्ट अभी जो स्टूडेंट इलेक्शंस हुए हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे राहुल जी प्रेसिडेंट के पद के लिए लड़े. राहुल जी नमस्कार. आपका जो अनुभव था जेएनयू इलेक्शंस में लड़ने का, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं, और ये बात उससे जोड़ें कि आपको काफ़ी वोट्स मिले और आपके कैंपेन को और आपके बापसा के पूरे दृश्य को काफ़ी सपोर्ट मिला, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये केवल इलेक्शन का एक पार्ट नहीं था, लेकिन बप्सा पिछले दो साल से एक अपना एक जो डिस्कोर्स है उस डिस्कोर्स को कैरी कर रहा था. वो डिस्कोर्स था अपॉर्चुनिटी का. अपॉर्चुनिटी का डिस्कोर्स ये था कि हम बहुत सारे लोग हैं, खास करके दलित हैं, मुस्लिम्स हैं, महिलाएं हैं, हमारे एलजीबीटी के साथी है, नॉर्थ ईस्ट के साथी है, कश्मीरी भाई है हमारे. तो हम ये कह रहे थे कि हो सकता है कि हमारा दर्द जो है वो अलग अलग उसका डिग्री हो, अलग अलग उसका एक रूप हो, लेकिन जो सिस्टम जो इस देश में आज चल रहा है, जो लोग पावर में है, वो लोग हैं जो हमको, मैं हमारा ऑपरेशन उनके वजह से भी है, और एक पूरा एक जो आपका सामाजिक ढांचा है उसकी वजह से है. और इसीलिए बात करते हुए, एक अपॉर्चुनिटी की बात करते हुए हम आगे बढ़ते गए, और इस इलेक्शन में वो एक बड़े तौर पर सबके सामने आया. एक अपॉर्चुनिटी का जो हमने कॉल दिया था वो सबके सामने आया, और मुझे लगता है कि ये, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी जीत है, लेकिन ये जो जितना जो समर्थन मिला हुआ है, ये केवल एक वोट बैंक जो कहते हैं वो नहीं था. ये बेसिकली समर्थन था उन लोगों का जो इस बात को समझते हैं कि अभी ये वक्त आ चुका है कि इस देश के जो ऑपरेस तबके के लोग हैं, चाहे वो कश्मीर से हो, नॉर्थ ईस्ट से हो, या दलित कहीं से भी हो, महिलाएँ हो, और भी जितना हमारा ऑपरेस आदिवासी हो, ओबीसी हो, उनको अभी ये कहीं हद तक एटलीस्ट कैंपस के अंदर हम ये लोगों को रियलाइज़ कर पाए कि दिस इज़ द टाइम दैट वी नीड टू कम टुगेदर एंड फाइट अगेंस्ट एक कोई अवसरवाद का जो राजनीति करता है हमारे नाम पर, उनके खिलाफ भी, और जो एक बड़ा जो फोर्स है इस देश में राइट विंग का, उसके खिलाफ. आज जो आपने बहुत अच्छा एक मुद्दा उठाया कि जो बहुत बड़ा राइट विंग का एक फोर्स ये देश पे हावी है, तो अगर आप वो राइट विंग फोर्स को थोड़ा सा देखेंगे, आप खुद जानेंगे दलित पॉलिटिक्स में कि काफ़ी दलित पॉलिटिक्स को अप्रोप्रिएट करने में, संस्कृताइज करने में, ब्राह्मिनाइज करने में संघ परिवार और बीजेपी का बड़ा हाथ रहा है. तो रिजर्व सीट्स में भी उनको, बहुत सारी रिजर्व सीट्स में उनको मेजॉरिटी सीट मिली है, उसमें यूपी उत्तर प्रदेश में भी सीट मिली है. तो ये जो एक दलित का एक अप्रोप्रिएटनेस, जो संघ परिवार ने बाबा साहेब को भी उन्होंने अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की 125वीं साल में, तो उसको आप किस अंदाज से देखते हैं? मुझे लगता है कि अप्रोप्रिएशन की बात करने से पहले, अगर खासकर बाबा साहब की बात हो या फिर दलित आइकॉन से, फिर दलित लीडरशिप की बात हो, तो मुझे लगता है कि अप्रोप्रिएशन की बात करने के पहले सबसे पहले आपको ये बात करनी चाहिए कि अप्रोप्रिएशन किसका किया जाता है. मिस आप अप्रोप्रिएशन उसका क्या करते हैं जिसकी समाज में या पॉलिटिक्स में या किसी दूसरे क्षेत्र में जिसकी वैल्यू बढ़ी हो, जिसकी बात करने से आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है. तो सबसे पहली बात, तो बहुत साल तक तो इस देश का इतिहास रहा हुआ है कि इस देश के इतिहास में, खास करके इस देश का एक जो सवर्णा एक जो पूरा एक जो लॉबी रहा हुआ है, जो एक कास्टिस्ट नेचर रहा हुआ है इस देश में, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे राइट विंग फोर्सेस का हो, चाहे लेफ्ट विंग फोर्सेस का हो, उन्होंने बाबा साहब को दरकिनार किया हुआ है. बाबा साहब को हमेशा एक, जैसे राइट विंग के लोग कहते कि हम संविधान को नहीं मानेंगे क्योंकि वो किसी एक अछूत ने लिखा था, उसी तरीके से लेफ्ट विंग के लोग कहते थे कि नहीं, ये बुर्जुआ डॉक्यूमेंट है, अंबेडकर वाज अ बुर्जुआ एजेंट. उसी तरीके, तो मेरा ये कहना है कि अंबेडकर को सबसे पहले बनाया गया है. अंबेडकर खुद थे, लेकिन अंबेडकर को गली से दिल्ली तक का लाने का जो एक पूरा इतिहास है, इस देश के गरीब तबके के जो दलित है उन्होंने रखा हुआ है. अगर आप मेरे ख्याल से 15-16 अप्रैल का अगर पेपर पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे बहुत सारे के जहाँ पे दलितों को मारा गया क्योंकि उन्होंने अंबेडकर की जयंती सेलिब्रेट किया, बहुत सारे लोगों को सोशली बायकॉट किया था क्योंकि उन्होंने अंबेडकर की बात कही है. तो ये पूरा प्रोसेस है अंबेडकर को वहाँ से यहाँ तक लाने का. आई थिंक आरएसएस को एक बात पता चल चुकी है कि इतना दमन करने के बावजूद, इतना अत्याचार करने के बावजूद, इतनी मशीन लगाने के बावजूद भी ये समाज के जो लोग हैं, ये लोग अंबेडकर को छोड़ नहीं रहे. भला इनको पढ़ना नहीं आता कुछ लोगों को, लेकिन ये अंबेडकर की हर बात को इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आरएसएस के लिए सबसे बड़ा खतरा है. जब आरएसएस को इसके पहले बहुत बड़ा खतरा नहीं लगा, लेकिन आरएसएस और ये राइट विंग फोर्सेस को अभी सबसे बड़ा खतरा लग रहा है कि यदि हम अभी बाबा साहब की बात नहीं करेंगे
तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये हमारे पूरा खिलाफ जाने वाला है और इनको इस बात का यानी वाकिफ है इस बात से, और इसीलिए बाबा साहब की बात कर रहे हैं। लेकिन और ख़ास करके जो दलित लीडरशिप की बात है कि इतने सारे सीट्स बीजेपी को रिजर्व जो सीट्स सबसे ज़्यादा मिली है, मैं इसका जिम्मेदार इसका सक्सेस का जो जिम्मेदार मैं केवल आरएसएस को नहीं देता हूँ, मुझे लगता है इसमें जिम्मेदारी उन लोगों की भी है जिन्होंने प्रोग्रेसिव होने की बात की, अपने आप को समानता की बात करने वाले जो लोग थे मैं उनको भी इसका जिम्मेदार मानता हूँ। जिम्मेदार इसीलिए मानता हूँ क्योंकि आपने समाज के, और मुझे बात लगता है कि आरएसएस जानता है कि समाज में जाति क्या है, क्योंकि वो जाति को फैलाता भी है, इसीलिए जानता भी कि जाति क्या है सब, तो उसको पता है कि ये वो समाज है जो समाज अपने अपनी राजनीति या अपने ह्यूमिलेशन अपने अत्याचार को दूर करने के लिए हर तरह के चीज़ों को यानी देख रहा है, हर तरह के ऑप्शन को देख रहा है। उस समाज में जो लोग समानता की बात कर रहे थे उन्होंने उनके जो सवाल थे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सवाल वो ना उठाते हुए उन्होंने अपनी हेजेमनी को बरकरार रखा हुआ है, तो वो एक हिस्सा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज जो छोटी मोटी जो दलित लीडरशिप जैसे आपको दिखती है जो बीजेपी के साथ खड़ी हुई है, मुझे लगता है कि इनका भी जो अस्तित्व है दलित समाज में एक समाज में उनका अस्तित्व कुछ ज़्यादा है ही नहीं। बाबा साहेब अम्बेडकर और बाबा साहेब अम्बेडकर की सोच, विचारधारा, इकोनॉमिक्स, आर्थिक नीति, आर्थिक सोच, समाज की समझ, धर्म की समझ, आरएसएस के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों है? वो इसीलिए बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि बाबा साहब जैसे आप अगर बाबा साहब का अगर आप स्मॉल होल्डिंग अगर पढ़ते हैं जहाँ पर बाबा साहब नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड की बात करते हैं, जहाँ पर बाबा साहब आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपका बाकी जितना भी बाबा साहब का लिटरेचर है, तो बाबा साहब जो बात करते हैं वो बात केवल एक कि भाई आपको जाति के ऑपरेशन से दूर होना केवल एक बात नहीं करते, वो आपके रिसोर्सेज को भी डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं, जिसको कहते हैं कि जाति के आधार पर लोगों ने अपनी सत्ता को बनाया हुआ है, आर्थिक सत्ता को भी बना के रखा हुआ है। और सबसे बड़ा खतरा इसीलिए क्योंकि इस देश में आरएसएस को पता है कि यदि आप बाबा साहब के इन विचारों को अगर प्रोपागेट करेंगे, खास करके लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात है, खास करके जो ब्राह्मणिक जो रिलीजन है इस देश में उसको ख़त्म करने की जो एनिलेशन ऑफ कास्ट, बाबा साहब कहते हैं कि इसको ख़त्म करना है आपको, और आपको थियोलॉजिकल भी ख़त्म करना है, पॉलिटिकल भी ख़त्म करना है, हर तरीके से ख़त्म करना है, तो इसीलिए बाबा साहब उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि अम्बेडकर इज़ द ओनली लीडर इस पूरे देश में जो केवल एक इकोनॉमिकल इक्वलिटी की बात करते करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी का जो रीज़न है इस देश में वो ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर है। राहुल सोनपिंपले को 1500 वोट मिले और जात और धर्म के आधार पे बात नहीं होनी चाहिए, मगर बापसा की मेंबरशिप उससे कई कम है, तो राहुल सोनपिंपले और बापसा के अलाइज दूसरे प्रोग्रेसिव तबके में से कौन कौन आपको लगते हैं? बापसा के विजन के, दलित प्रोग्रेसिव विजन के अलाइज कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? देखिए अभी जो चुनाव हुआ इसमें अगर हमारे अलाइज थे तो कैंपस में जो मुस्लिम संगठन है वो हमारे अलाइज थे, और हम समझते कि वो हमारे नेचुरल अलाइज है, वो केवल राजनीति में नहीं लेकिन समाज के हर उस हिस्से में, हर उस लड़ाई में वो हमारे अलाइज है, हम उनके अलाइज है, तो उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा हुआ है। उसके कारण मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो डायरेक्ट बप्सा के मेम्बर ना हो, लेकिन जिस तरीके से उनका एक जो बहुत बड़ा सपोर्ट रहा हुआ है वो बहुत ही यानी मुझे लगता है बहुत बड़ी ताकत हमारे पीछे थी, और मुझे लगता है ये 1500 वोट लाने में उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है। और ख़ास करके वो जो एक देखिए कि हो सकता है किसी संगठन, क्योंकि 2 साल का संगठन है, 2 साल के संगठन में हो सकता है कि मेंबरशिप बहुत कम हो, लेकिन जो विचार है, क्योंकि आखिर स्टूडेंट तो आ ही रहा है आपके गांव से जहाँ पर जाति देखता है, स्टूडेंट तो आपके समाज से आ रहा है जहाँ पर वो मुसलमान होने के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन सहता है, ह्यूमिलेशन सहता है, लड़की तो आ ही रही वहाँ से जहाँ पर वो देखती है कि किसी पेट्रिया की फंक्शन करती है, तो हमने जो बार बार एक बात कही है कि हमको कुछ लोगों ने कहा कि आपका संगठन 2 साल पुराना है केवल, तो आपने कैसे ऐसे सब कर दिया, मैंने कहा कि संगठन 2 साल पुराना है लेकिन दर्द काफ़ी साल पुराना है। आपने एक बात कही कि बाबा साहेब टॉक्ड अबाउट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, और आज जो एक असॉल्ट हो रहा है, एक संघ परिवार का तो असॉल्ट है आइडियोलॉजिकल, मगर साथ साथ जो एक असॉल्ट इंडियन स्टेट पे हो रहा है वो तो न्यू लिबरल फोर्सेस का हो रहा है, क्रोनी कैपिटलिस्ट का हो रहा है, जहाँ पे एक पूरी कोशिश है कि नेचुरल रिसोर्सेज, पीपल्स रिसोर्सेज कॉरपोरेट कंपनियों को ट्रांसफ़र हो जाए। अभी हाल में रेलवेज में सर्च प्राइसिंग ला करके रेलवेज के भी दाम मध्यम वर्ग और वर्किंग क्लास से बाहर लेने की कोशिश ये सरकार कर रही, तो उस सिलसिले में
अम्बेडकराइट मूवमेंट, आपकी सोच विचारधारा, बापसा की सोच विचारधारा ऑन द असॉल्ट बाय न्यू लिबरल फोर्सेस क्या है? पहली बात तो जिस तरीके से एक पोर्ट्रेट बनाया जाता है अम्बेडकराइट मूवमेंट के बारे में कि दे डोंट अंडरस्टैंड कैपिटलिज्म, मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक 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 रिड्यूस करने वाली बात है. आई थिंक अम्बेड, इफ़ यू टॉक अबाउट अम्बेडकर, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिकल रिसोर्सेज एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ लार्जर इकोनॉमी विच इज़ देयर. मेरा ये कहना है कि कैपिटलिज्म दो तरीके से फंक्शन, खास करके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फंक्शन करता है. सबसे पहली बात तो अगर आप, मैं तो कहता हूँ कास्ट सेंसस को लाया जाए कि कोर किसके पास रिसोर्स है, किसके पास क्या है, मेरिट का आर्गुमेंट भी पूरा, मेरिट का आर्गुमेंट भी वो हट जाएगा आपका. तो हम ये कहते हैं आप झारखंड से लेके, आप महाराष्ट्र से लेके, कर्नाटक से लेके हर जगह जाइए. दो तरह की आज इस देश में इकोनॉमी फंक्शन कर रही है. एक है लोकल इकोनॉमी विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द कास्ट, एंड दूसरा इकोनॉमी जो ग्लोबल इकोनॉमी है विच इज़ ऑल्सो मीन्स वो जो बाहर से एक इम्पेरियलिस्टिक अप्रोच से आ रही है. जो लोकल इकोनॉमी आपकी हो कम्प्लीटली एक पर्टिकुलर कास्ट के हाथ में, पर्टिकुलर वर्क के हाथ में है. मेरा कहना है कि आपका कैपिटलिज्म वहाँ से स्टार्ट होता है, आपका इंपीरियलिज्म वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पर एक व्यक्ति बंगाल से आके, एक पर्टिकुलर जात का व्यक्ति जिसको धर्मशास्त्र कहता है कि तुम बिजनेस कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, वो झारखंड आके आदिवासी इलाके में बिजनेस करता है और आदिवासी को लूटता है वहाँ पे. मेरे ख्याल से वो भी कैपिटलिज्म है जो हज़ारों साल से चालू है. तो हमारे लिए कैपिटलिज्म वहाँ से स्टार्ट होता है. तो वो कैपिटलिज्म, ये लोकल जो हमारा एक जो जो बिजनेस कम्युनिटी है वो हम देखते हैं कि बड़े कैपिटलिज्म के सामने उभरता है. तो आज इस देश में मैक्सिमम जो कैपिटलिस्ट लोग हैं उनकी एक जात है. इफ़ यू आर इन द, इफ़ अगर आप एक इंडियन हैं, अपने आप को इंडियन मानते हैं, इट मीन्स यू हैव कास्ट, यू हैव रिलीजन विच इज़ देयर विच हेल्प्स यू टू बिकम अ कैपिटलिस्ट हियर. मुझे बता दीजिए पूरे देश में कोई दलित, कोई आदिवासी कैपिटलिस्ट है देश में जो बड़ा नाम है? नहीं है. वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो एक कल एक, एक जो आपका एक जो पूरा ट्रेडिशन रहा हुआ है वो नहीं है इस देश में जो उनके साथ जुड़ा हो. इसलिए हम कहते हैं आज का जो कैपिटलिज्म है वो कैपिटलिज्म इस देश में, इस देश के हर वो तबके के खिलाफ है जो दलित है, जो आदिवासी है, जो जिसके पास रिसोर्सेस नहीं है, जिसके पास लैंड नहीं है, जिसके पास मटेरियल कंडीशन उसकी सही नहीं है. मुझे लगता है कि इस देश में ये जो आज का जो कैपिटलिज्म है, जो क्रोनिक कैपिटलिज्म हो और सरकार की जो भी पॉलिसी हो, जो भी नीतियाँ हो, वो पूरी की पूरी तरह इनके खिलाफ है. क्योंकि अभी अगर फॉर एग्जांपल अगर दलितों की बात की जाए तो प्राइवेटाइजेशन जिस तरीके से हो रहा है तो प्राइवेट सेक्टर में तो रिजर्वेशन नहीं है. तो आप अगर पूरे सेक्टर को अगर प्राइवेटाइज कर देते हैं तो वो लोग कहाँ, उनका प्रतिनिधित्व तो कहाँ पर है? तो आप जैसे जितने प्राइवेट अभी स्पेयर हुए हैं वहाँ पर दलितों की संख्या बहुत कम है. बिकॉज उनके साथ मेरिट का लॉजिक को देंगे कि यू डोंट हैव मेरिट, तो वो मेरिट का लॉजिक देखिए उनको प्राइवेट सेक्टर में एंट्री नहीं है. तो गवर्नमेंट सेक्टर में इसलिए एंट्री क्योंकि संविधान उसको सुनिश्चित करता है. लेकिन आप गवर्नमेंट सेक्टर को ही कम कर देंगे तो फिर इस देश का दलित आदिवासी ओबीसी कहाँ जाएगा? तो इसलिए हम समझते हैं कि इस देश में कैपिटलिज्म हो, चाहे वो क्रोनिक कैपिटलिज्म हो, चाहे सरकार की जो कैपिटलिस्ट पॉलिसीज हो, जो कैपिटलिज्म से हाईली इन्फ्लुएंस है, वो इस देश के हर वो तबके के खिलाफ है जो इस देश में जिसके पास ट्रेडिशनली सत्ता नहीं रही है, ट्रेडिशनली रिसोर्सेस नहीं रहे हुए हैं. लेकिन साथ ही साथ हमें बार बार इम्फोसाइज कर रहे हैं कि जब आप कैपिटलिज्म की बात करते हैं आप ये भी बात कीजिए कि इस देश के जाति के स्ट्रक्चर ने हमेशा से एक तरह का कैपिटलिज्म बना के रखा हुआ है कि कैपिटल हमेशा एक जात के हाथ में, एक वर्ग के हाथ में रही हुई है. तो हम उसके भी खिलाफ हैं. आगे बापसा का क्या प्लान है? बापसा का आगे यही प्लान है कि जो एक अपॉर्चुनिटी का हमने जो एक एक जो सपना देखा हुआ है उस सपने को पूरे देश में हमको, हम चाहते कि लेके जाए. जो एक नया अवसर जिस देश में देखने को मिल रहा है दलित और मुस्लिम यूनिटी का, उसी के साथ साथ जो भी ऑपरेस कम्युनिटी है उसमें भी उनको शामिल करते हुए एक बड़ा जो ऑपरेस यूनिटी हम चाहते हैं इस देश में बने. एज अ स्टूडेंट्स हमारा ये सपना है कि एटलीस्ट कैंपसेस में हम इस यूनिटी को मटरलाइज करें, एक 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 ताकत बनाए अपनी वाली. और दूसरी है कि एक देश में हम एज अ स्टूडेंट एक 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 उस तबके से आने वाले लोग जिनके साथ जो ह्यूमिलेशन रोज रात दिन यानी हर बार होता है, हम ये सोच रहे हैं कि इसी मैसेज को हम पूरे समाज में फैलाना चाहते हैं. तो हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो और हमारे लिए बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.